अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अजल। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर्स? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ, द प्रोडक्ट इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। A perfect square can be expressed as the product of two integers of equal value. कह रहे हैं कि perfect square क्या होता है? Perfect squares कोई भी दो integers का जो product होता है, यानी उसका जो answer होता है, वो आपका perfect square होता है. Suppose 1 into 1, 1 square is equal to 1. 2 into 2, 2 square is equal to 4. 3 into 3, 3 square is equal to 9। यानी यहाँ पे 1 जो है वो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो होगा 1 का स्क्वायर। 2, 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 2 का स्क्वायर। 3, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर। और इनके आंसर क्या होंगे? 2, 2s are 4, 3, 3s are 9, 4, 4s are 16, 5, 5s are 25, 6, 6s are 36, 7, 7s are 49, 8, 8s are 64, 9, 9s are 81, 10, 10s are 100. All these are perfect squares. ठीक है? These are numbers and these are perfect squares. Now we will start exercise 4A. Question number 1. Find by factors the positive square roots of. कह रहे हैं कि आपने फैक्टर्स के ज़रिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब फैक्टर्स की जब बात आती है तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि हमें प्राइम फैक्टर्स यूज़ करने हैं, यानी हमने क्या करना है, हमें 1, 3, 5, 7, 9, 2 भी जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है, तो आप जो है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13, 17, 19, 23, 29, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। हमें ये यूज़ करते हुए हमें 529 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और हमें स्क्वायर फाइंड करना है। नंबर 1, 529 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो। अब हमारे पास हमें फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 529 को हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना होगा कि क्या ये 529 प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब इसकी जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है, जो आपके वंस की प्लेस वैल्यू है, ये आपके पास इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता तो ये 2 से डिवाइड हो जाता। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, हम 9 में 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11, 11 में हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, तो 16 जो है वो 3 के टेबल में का मल्टीपल नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। अब हम 1 के बाद 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, अब हम देखेंगे 5। 5 से ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज 9, और हम कब 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जब यहाँ पर हमारे पास 1 की प्लेस वैल्यू पे इफ वी हैव 5। अब हम 7 देखेंगे, 7 से हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि 7 से ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हमने यहाँ इसको 7 से डिवाइड करके देखा, 7, 7s are 49, 1 कैरी किया, 12 में से 9 माइनस किया, 3 आया, नेक्स्ट डिजिट 9 हमने उतारा। अब हमने 7 का टेबल इतना पढ़ा कि हमारे पास 39 आए, तो हमारे पास 39 नहीं आया, तो उससे छोटा नंबर आया, 7, 5s are 35, और 4 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स कि ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। 7 के बाद हम इसे 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 11, 4s are 44, 1 कैरी करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, 12 में से 4 माइनस किया 8, 9 उतारेंगे, 11, 8s are 88, 9 में से 8 माइनस किया 1, 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। इट मीन्स के दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। अब हम इसको नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर है दिस इज 13, अब 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 13, 4s are 52 होता है
और 9 को जब हम उतारेंगे तो 9 13 से छोटा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ वी विल चेक बाय 17। 17 के टेबल से चेक करेंगे, 17 थ्री ज़ार 51, 2 में से 1 माइनस किया 1, 9 उतारेंगे, 17 वन ज़ार 17, 19 में से 17 माइनस किया आंसर आया 2। अगेन वी हैव अ रिमाइंडर। नाउ वी विल चेक बाय 19। नेक्स्ट आर प्राइम नंबर इज 19। 19 टूज आर 38, 12 में से 8 माइनस किया 4, यहाँ से हमने 1 बोरो किया था, दिस इज 4, 4 में से 3 माइनस किया 1, 9, 19 सेवन आर 133, 9 में से 3 माइनस किया 6, 4 में से 3 माइनस किया 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। अगेन वी हैव अ रिमाइंडर, दैट्स वाई वी विल चेक बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 23। 23 टूज आर 46, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 9 नीचे उतारेंगे 69, 23 थ्रीज आर 69, वी हैव नो रिमाइंडर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 529। 529 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23। सो वी विल राइट हेयर 23's are 529। Now 23 is a prime number। ये prime number है और ये अपने ही table में आता है, that's why we will divide it by 23, ones are 23। Now we will write 529 and factor of 529's are 23 multiplied by 23। And now we will write square. We will write 23 square because 23 यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम है और हमें स्क्वायर्स फाइंड करने हैं तो हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको स्क्वायर्स फाइंड करने हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो हम इसे इस तरह बॉक्स में लिख देंगे, यानी 23 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एक ही नंबर है इसलिए हम एक ही नंबर लिखेंगे, अगर हमारे पास दो नंबर होते तो हम दो नंबर लिखते, अगर हमारे पास तीन नंबर्स होते हम थ्री नंबर्स लिखते, ठीक है। तो नाउ वी हैव ओनली वन नंबर, नाउ स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास सिर्फ आंसर आ जाएगा 529 इज़ इक्वल टू 23, दिस इज आंसर। Clear? Part 2 is 1024. इसी तरह हम 1024 के भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव वंस प्लेस वैल्यू इज 4, दिस इज इवन नंबर, तो ये इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो इवन नंबर हमारे पास 2 है और वो प्राइम फैक्टर भी है, सो 2 फाइव्स आर 10, 2 ones are 2, 2 twos are 4. Again we have 512 and we have even number, place value of ones. Now again we will divide it by 2. 2 twos are 4, 1, 2 fives are 10, 1, 2 six are 12. Again we have 6, this is even number. We will divide it by 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4 and 2 eights are 16. Again we have even number. Again we will divide it by 2. 2 six are 12, 2 fours are 8. Again we have even number. So we will divide it by 2. 2 threes are 6, 2 twos are 4. Again we have even number, we will divide it by 2, 2 ones are 2, 2 six are 12, again we have even number, 2 eights are 16, again we have 2 fours are 8 and 2 twos are 4, 2 twos are 4 and now we will complete 2 ones are 2, all these are factors of 1024. All these are pair of
All these are factors of 1024. At first we will mark pairs of 1024. All these are pairs. Then after we will write 2 square, 2 square, 2 square, 2 square and 2 square. All these are pairs. यहाँ पे 2 टाइम लिखा हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब 2 टाइम नंबर होगा तो हम उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं. तो ऑल दीज नंबर वी विल राइट विद स्क्वायर्स, 2 square, 2 square, 2 square, 2 square and 2 square. नाउ वी विल फाइंड स्क्वायर रूट. 1024 इज इक्वल टू 2 square, 2 square, 2 square and 2 square. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 1/2, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब करते हैं हम तो हमारे पास सारे नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं. तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2, 2, 2, 2, 2. अगर आप चाहें तो आप इसे पेंसिल से कट भी कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह आप इसको कट भी कर सकते हैं. अब आपके पास आंसर आएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. सो 1024 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 32. यानी आप 32 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1024. पार्ट 3 इज 1225. अब 1225 में मेरे पास जो वंस की प्लेस वैल्यू है दिस इज 5, एंड 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5, एंड 5 इज डिविजिबल बाय 5. अब जब हमारे पास वंस की प्लेस वैल्यू पे 5 होता है तो वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से. ठीक है, तो हम इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे डायरेक्ट. 5 2s are 10, 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25. नाउ अगेन वी विल डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 वंस इज 5. 5 4s are 20, 5 9s are 45. अगेन 49, और 49 जो है वो 7 के टेबल में ही आता है. शुरू में मैंने आपको बताया था कि 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 7 7s are 49 होता है. तो 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7. नाउ वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 1225. द फैक्टर्स ऑफ 1205 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. अगेन वी विल मार्क pairs 5 and 7, and we will write 5 square and 7 square, क्योंकि यहाँ 5 2 time है and 7 2 time है. Now we will find square root. Square में हम लिखेंगे, square root में लिखेंगे. Square से square cancel हो जाएगा, this is cancel, and हमारे पास रह जाएगा 5 7s are 35. यहाँ पर हमारे पास 5 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, और 5 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7s are 35. नाउ पार्ट 4 इज 1764, एंड वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 1764. वंस प्लेस वैल्यू ऑफ द दिस नंबर इज 4. दिस इज इवन नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज मल्टी दिस इज डिवाइडेड बाय 2. नाउ वी विल डिवाइड 2 8s are 16, अगेन 2 8s are 16, 2 2s are 4, अगेन वी विल डिवाइडेड बाय 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2. नाउ वी हैव 4441.
ये टू से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू, वंस की जो प्लेस वैल्यू है वो इवन नहीं है। तो हम इसे थ्री से चेक करते हैं। थ्री के डिविजिबिलिटी में हमारे पास जो होता है हम सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट मेरे पास है 4, 4, 8, 8 में 1 प्लस किया 9, तो दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो हम देखते हैं 3 के टेबल से हो सकता है, 3 वंस आर 3, 1 हमारे पास बच गया, 3 फोर्स आर 12, 2 बच गया, 3 सेवन्स आर 21। अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी डिवाइडेड बाय 3, 3 फोर्स आर 12 एंड 3 नाइन्स आर 27। अगेन वी विल डिवाइडेड बाय 7, 7 सेवन्स आर 49 एंड 7 वंस आर 7। फैक्टर्स ऑफ 1764 आर 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। नाउ वी विल मार्क पेयर 2, 3 एंड 7। वी हैव 3 पेयर्स। नाउ वी विल राइट 2² 3² एंड 7² नाउ वी विल फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2, 3 एंड 7। 2 3s are 6, 6 7s are 42। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1764। सॉरी, दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 42, यानी 42 जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1764 आंसर आएगा आपके पास। पार्ट 5 इज 11025। अब यहाँ हमारे पास प्लेस वैल्यू, वंस की प्लेस वैल्यू पे 5 है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 5। सो 5 2s are 10, अगेन 1, 5 2s are 10। अब यहाँ पे 2 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें 5 को इसके साथ मिलाना है, तो हम उसके लिए 0 लगा देंगे एंड 5 5s are 25। ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो आप इसे रफ वर्क में डिवाइड करके चेक कीजिएगा कि जब आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2205 आंसर आएगा। नाउ अगेन वी हैव वंस प्लेस वैल्यू इज 5, दैट्स वाई वी विल डिवाइडेड बाय 5। 5 4s are 20, 5 4s are 20 and 5 1s are 5। Now we will divide it by 3. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21. Again we will divide it by 3. 3 4s are 12, 3 9s are 27 and 7 7s are 49 and 7 1s are 7. Factors of 11025 are 5 × 5 × 3 × 3 × 7 × 7. Now we will mark pair 5, 3, 7. Again we will write 5² 3² 7² Again we will write in square root and स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट एंड 5 × 3 × 7 इज द आंसर ऑफ 105। जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 105, जो स्क्वायर 105 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 11025। ओके, नाउ लुक एट पार्ट 6, 2304। वी विल फाइंड फैक्टर्स। हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमने इनके पेयर्स मार्क किए। पेयर्स मार्क करके हमने इनको स्क्वायर्स में लिख दिया। उसके बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसके इसको अंडर रूट में लिखा, और उसके बाद इसको अंडर रूट इसका कैंसिल करके हमने इसके नंबर्स को उतार लिया। और नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48। द आंसर इज़ 48।
ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया 48। पार्ट 7 इज 8,464। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8,464। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 1 डिवाइडेड नहीं हो सकता। इस 1 को इसके साथ मिलाने के लिए हमने 0 लगाया, फिर ये बन गया 11, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 9s are 18, एंड अगेन वी हैव 529। तो 529 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 529 ही था, तो उसके जो फैक्टर्स आए थे वो आए थे 23, तो हमने इसको डायरेक्ट 23 से डिवाइड किया, तो 23 23s are 529, और 23 को 23 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। तो हमारे पास इस तरह फैक्टर्स जो आए वो आए 2 × 2 × 2 × 2 × 23 × 23। नाउ वी विल मार्क पेयर, 2 का पेयर मार्क किया, 2 का पेयर मार्क किया और 23 का पेयर मार्क किया हमने, और हमने इसको स्क्वायर्स में लिख दिया। 2 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में लिखेंगे और फिर हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 2 एंड 23। फिर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 4, 4 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 92। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 7। नाउ नोट डाउन एक्सरसाइज 4A, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से 7 तक मैंने सॉल्व कर दिया है, आपने 8 से लेके 12 तक खुद सॉल्व करने हैं, और आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट 1 से लेके 12 तक सॉल्व करना है, ठीक है। पेन से सॉल्व करना है और रफ पर पेंसिल से करना है और आपने सफाई से करना है, और जो फैक्टर्स के जो आप सॉल्यूशंस करेंगे वो आप एक लाइन स्किप करके काम करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर क्लास वर्क एंड दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512 एंड देन सी विच ऑफ देम डू नॉट अपीयर इन परफेक्ट स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 512 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी कौन से नंबर का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हम इसके 5 प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके देखते हैं कौन कौन से आते हैं। दिस इज़ 512 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस इज इवन, सो वी विल डिवाइडेड बाय इवन नंबर। 2 इज इवन, 2 2s are 4, 1 इज रिमेनिंग, 2 5s are 10, 2 6s are 12, अगेन वी हैव इवन नंबर, वी विल डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 8s are 16, अगेन वी हैव इवन नंबर, 2 6s are 12, 2 4s are 8, अगेन वी हैव इवन नंबर, 2 3s are 6, 2 2s are 4, अगेन वी हैव इवन नंबर, 2 1s are 2, 2 6s are 12, अगेन वी हैव इवन नंबर, 2 8s are 16, अगेन वी हैव इवन नंबर, 2 4s are 8, अगेन 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। Now we will write all factors of 512. These are factors of 512. At first we will mark pair. This pair, this pair, this pair, this pair and this is alone. ये हमारे पास अकेला रह गया और बाकी सबके हमारे पास pairs बन गए। So हमें क्या परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे ये 2 अकेला है। तो हम इसको लिखेंगे 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी 512 को परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 2 रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर येट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं आपने
ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास, हम इसमें भी क्या करेंगे, आप सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने पेयर्स मार्क करने हैं। तो हमने फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 21,168 एंड वी विल मार्क पेयर्स। अब हमारे पास सबके पेयर्स बन गए, सिर्फ थ्री ऐसा नंबर है जिसका हमारे पास पेयर नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड बाय थ्री टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 15,876 एंड द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। कह रहे हैं टू पॉजिटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है 15,876 और उसमें जो लार्जर नंबर है वो 9 टाइम्स है दूसरे नंबर का। यानी उन्होंने हमें दूसरा नंबर गिवन नहीं है, हमें उस नंबर को भी फाइंड करना है जो 9 टाइम्स है उस नंबर का। तो फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले सपोज करेंगे डाटा में, लेट सपोज द नंबर इज एक्स एक्स, नाइन टाइम्स नंबर इज नाइन एक्स। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 15,876। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15,876। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द इक्वेशन इज 9x इज इक्वल टू 15,876। अब जब हमारे पास इक्वेशन होती है तो हमारे पास जो x की वैल्यू होती है हम उसको मूव कराते हैं, x हमारे पास यहीं रह जाएगा और हम 15,876 के पास 9 को मूव कराएंगे। अब यहाँ x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये इसके साथ राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। हमने इसे डिवाइड करके चेक किया तो हमारे पास आया 1764, द आंसर इज 1764। आप भी इसको रफ वर्क में डिवाइड करके चेक करेंगे कि आपके पास क्या आंसर आएगा। 9 ones are 9, 15 में से 9 माइनस किया 6, 8 उतारा, 9 sevens are 63, 5 आया, 8 में से 3 माइनस किया 5, 7 उतारा, 9 sixes are 54, 7 में से 4 माइनस किया 3, 6 उतारा, 9 fours are 36। तो हमारे पास आंसर आया 1764। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर आया, जो हमने नंबर फाइंड किया वो आया 1764। तो अब हम इसका, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हमने जो हमारे पास x की वैल्यू आई, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए। फैक्टर्स हमारे पास आए 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पेयर्स मार्क करेंगे। पेयर मार्क्स करने के बाद हमने इनको अंडर रूट में लिखा और उसके बाद हमने इसके स्क्वायर कैंसिल करके हमने इसको मल्टीप्लाई करके नंबर्स को लिखा, 2 threes are 6, 6 sevens are 42। तो हमारे पास x की वैल्यू 1764 से आई 42। तो हमारे पास 42 जो है वो स्क्वायर आया, 42 का स्क्वायर होगा 1764। ठीक है, अब हमें एक नंबर तो हमारे पास जो हमने सपोज किया था वो हमारे पास आ गया x और वो आया 42। अब हमें सेकंड नंबर हमारे पास है 9 टाइम्स ऑफ नंबर, तो 9 टाइम्स नंबर मींस 9x। तो 9x किसके इक्वल होगा, 9x इक्वल होगा 9 और x की जगह हम x की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगी 42 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 42 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 378। जब हमने 9 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 378। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर है। तो हमारे पास दो नंबर आए, ये वो दो नंबर हैं जो प्रोडक्ट थे, जिनका प्रोडक्ट था 15,876।
यानी 42 और 376। एक नंबर हमारे पास ये था और ये हमारा 9 टाइम्स इस नंबर का था। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। कह रहे हैं आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है और बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, इसको कंप्लीट करने में हमें कौन सा नंबर रिक्वायर्ड होगा। हमें फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमें नंबर फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा इसको, इसका स्क्वायर फाइंड करने में। तो हम इसके पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12, 16, 20 एंड 24। इसको हम ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम एलसीएम के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब हमने एलसीएम की तरह इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए और हमने यहाँ पर पेयर्स मार्क कर लिए। पेयर्स मार्क करने के लिए हमने जो एक जैसे नंबर्स हैं उनके हमने पेयर्स मार्क किए। अब हमारे पास यहाँ पर है 2 का पेयर, 2 का पेयर, यहाँ हमारे पास 3 और 5 का पेयर नहीं है। तो इनके पेयर्स कंप्लीट करने के लिए हम पेंसिल से हमें जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 एंड 5, हम इनको पेंसिल से लिख देंगे और हम इसका पेयर यूं करके बना लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48, 48 5s are 240, 240 3s are 720 and 725s are 3600. So the perfect squares of these numbers are 3600. This is answer. क्वेश्चन नंबर 6 इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794। इफ वन ऑफ द नंबर इज 13, फाइंड द अदर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स नंबर इज 794। इफ वन नंबर इज 13, फाइंड द अदर। सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है तो एक उसे हम क्या सपोज करेंगे, हम उसे x सपोज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 13 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169। 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब है 13 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये इज इक्वल हो जाएगा 794। अब हम क्या करेंगे, x यहीं रह जाएगा, इक्वेशन बन गई है। 794 के पास हम 169 को ले जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा 625। सो एक्स स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल है 625। हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब है कि हमने इसको भी स्क्वायर दे दिया और हमने इसको भी स्क्वायर दे दिया। अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर्स आए 5 5 5 5। अब हम क्या करेंगे, पेयर मार्क करेंगे और हम यहाँ पर इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। सो द एक्स इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 13 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 25। दिस इज आंसर। सो यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेके 12 तक सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 All question you will done in your notebook, your register. ठीक है, और काम सफाई से करना है, रफ वर्क पेंसिल से करना है, पेन और पॉइंटर से आप अपने अपना काम कंप्लीट करना है, वन लाइन स्किप करके।